तो गाइज अभी हम भीमकुंड में आ चुके हैं। तो गाइज अभी हम चलो भीमकुंड में नहा रहे हैं। ये देखो ये भीमकुंड है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। हाय गाइज, आपको हम दिखाते हैं भीमकुंड राजस्थान, मध्य प्रदेश जिला छतरपुर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा अच्छे से व्यवस्था यहाँ पे, ये कार्यालय और प्रसाद की दुकान। ये संस्कृत गुरु ज्ञान देते हुए हमारे सामने शिव मंदिर, संस्कृत स्टूडेंट उधर गुरुजी विश्राम करते हुए, विश्राम गृह। ये हमारे सामने शिव मंदिर, ये हमारा शिव मंदिर। ये चार गुरु जी यहाँ पे बैठे हैं। राधा कृष्णा मंदिर, लक्ष्मी नृत्य। ये हमारे पंडित जी नारियल को तोड़ते हुए
प्रसाद का नारियल तोड़ते हुए। जय हो पंडित जी, लगा दो जोर। पंडित जी पूजा की सामग्री को शिवलिंग पे चढ़ाते हुए एक राहत क्या ये सभी मंदिर हमारे भीमकुंड के अंदर है। ये हमारे बांके बिहारी जी मंदिर, और जी पंडित जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश पंडित जी है, ग्राम धोरला के हैं, पोस्ट रजपुरा है, तहसील बड़ा मलेरा है, जिला संपन्न। ये हमारे पंडित जी का परिचय। दिल्ली से ये हमारे हनुमान जी। गुरु जी आपका शुभ नाम, आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम? नाम रुपेश मिश्रा। तेज जी से बोलिए ना, सारी दुनिया देखेगी आपको। हनुमान भक्त हो? गदा लगा देते हो? बोलो जय श्री राम। श्री वैष्णो देवी मंदिर हेमकुंड धाम। चलो एक घंटा लग जाता है, एक घंटा लग गया ऊपर जाने में। एक घंटे के वो मंदिर देख रहा सामने यार, वो तो अपन मन से कह रही है घंटा लगेगा। कितनी पैड़ी बता रहे थे पंडित जी? 290 पैड़ी। 11-4 हजार देंगे। बड़ा कुंड है, हाँ ऊपर। अच्छा पहले ना बताए, हम तो ऊपर नहा लेता। कौन सा मंदिर है जी? भीमा देवी माता। भीमा देवी माता मंदिर 209 पैड़ी पहाड़ की चढ़ाई। ये जो दो थे ना वो जो भीम कुंड है जी, इसको इस पहाड़ी के नीचे वो जो भीम कुंड है जिसमें नहा रहे थे। दसमो पैड़ी की चढ़ाई करते हुए और भीमा देवी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पहाड़ की चढ़ाई 209 पैड़ी। तो 2021 में तुम्हें शादी कुछ भी नहीं कर दी, बनाए जा रहे। दोनों का थक जाने के बाद विश्राम करने के लिए सीढ़ियों पे कुर्सियां लगा दी गई हैं। आप यहाँ आके रुक सकते हो माता मंदिर के नजदीक पहुंचते हुए। ये हम कुछ ही समय माता के दर्शन करते हुए नजर आएंगे।
ये लोग कुछ धर्म की दूरी अब समाप्त हुई, हम मंदिर तक पहुंच गए। प्राचीन वैष्णवी देवा माता मंदिर माता देवी माता मंदिर के दर्शन करते हुए। ये कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हमने माता के दर्शन कर लिए और मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर के चौगड़े का नजारा। ये सामने नीचे का जो नीचे भीम कुंड है उसका नजारा। हमारे साथ राजकुमार जी और जितेंद्र जी। हाँ बेटा, मैं तो क्या क्या, हमने माता के दर्शन कर लिए और अब हम चल रहे हैं नीचे। अब चलेंगे जिस काम से आए थे वो काम करेंगे, फिर आगे देखते हैं कहां जाएंगे। बोलो जय माता की, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट। आपके बच्चे को देखा जो कि साक्षात भोलेनाथ जी के दर्शन हुए।